हेलो दोस्तों, आपके नए वीडियो में दोबारा स्वागत है। अपन दूसरे वाले बेसमेंट में आ चुके हैं, जैसे यहाँ बैचेस लगे हुए, एक बैच यहाँ लगा हुआ है जो BS6 पे लगा हुआ है। ये एक बैच BS6 की वायरिंग कर रहा है, आप देख सकते हो। ये डायग्राम है, इसे ट्रेस कर रहे हैं कौन सा वायर कहाँ जा रहा है। ये देख सकते हो इसकी थ्रोटल बॉडी रही, ये इसका TPS सेंसर लगा रहा, वो उसका फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ ये रहा, और जो इसकी टंकी है वो यहाँ उतारी हुई है। BS6 की टंकी है, ये BS6 की टंकी है। और इसका फ्यूल पंप कहाँ गया सर? ये इसका ही फ्यूल पंप है, दूसरी गाड़ी का है इसी का। ये गाड़ी चालू है बंद पड़ी है? ये पुरानी है, चालू है क्या? चलो देखते हैं। यहाँ इसका ये फ्यूल पंप लगता है, और ये BS6 में लगता है फ्यूल पंप। BS4 में कार्बोरेटर है, जैसे आपको पता है, आप देख सकते हो। ये फ्यूल पंप की मोटर लगी हुई है, ये फ्यूल पंप का फिल्टर है, और बाकी अपन को चांसर बताएंगे। चांसर हाँ क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या करा रहे हो अभी आप इनको? सर इसके स्पीड बताता है। क्या बताता है? स्पीड से SIP से फेंकता है। अच्छा, ठीक है। ये इसकी बॉडी है और ये फ्यूल मोटर है, ठीक है सर। और ये जाली है, इसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ चलती है, ठीक है सर। और ये इसकी लॉक है, ओरिंग वगैरह है, ये पाइप है इसकी। सर फ्यूल पंप कब खोलना चाहिए अपन को, कब खोलने की नौबत आती है फ्यूल पंप? फ्यूल पंप की SIP जब सब 30 दिखने लगे तब उस समय खोलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी जाली जो है बंद हो जाती है, उसी समय इसको खोलते हैं और खोल के क्लीन करते हैं। अच्छा सर, अगर ये गलती से ये चौक हो गया इसका, ये फिल्टर जो भी है, इसको चेंज कर देते हैं सर। चेंज तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? गाड़ी में झटके से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सर, तो किसने खोला है फ्यूल पंप सर? ये इन सब लोगों ने मिलकर खोला है। ओके, तो इसको पैक करेंगे। और इधर ये क्या चल रहा है बच्चों के? वायरिंग चल रही है सर। ये वायरिंग करा रहे हैं। सही, क्या कर रहे हो भाई? सर टेस्टिंग कर रहे हैं। किस चीज़ की टेस्टिंग कर रहे हो? इंजन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं सर, और सब फ्यूज चेक कर रहे हैं, आगे का मीटर चेक किया है। इसी ये वायर कट के कहाँ जा रहे हैं ये वाले? O2 सेंसर का है सर। किसका? O2 सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर का जी। ओके, इसका ऑयल टेम्परेचर सेंसर कहाँ पे? इधर लगा रखा है, इसको भी काट रखा है, उसको भी काट रखा है। ओके, सब सेंसर कटा हुआ है, ऑयल सब का। हर बार में जब चेक करोगे तो आपको पांच बोल्ट निकालना निकल लेते हैं। हमने कुल जी क्या कर रहे हो आप? इंडिकेटर चेक करो, मतलब करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके नकुल जी, एक वायर में 12 वोल्ट आएगा, एक वायर में निगेटिव सिग्नल आएगा, ठीक है। अब ये तीन फेज वाला है, उसमें क्या तीनों में वोल्टेज आएगा। इधर तुमने चेक किया है मल्टीमीटर से, तीनों वायर में 5-5 वोल्टेज आना स्टार्ट रहता है इग्निशन ऑन करने से। बाकी जब अपनी स्टार्ट करने जाते तो तीनों में परमानेंटली वोल्टेज आना स्टार्ट रहता है, जिससे हमारा मोटर परमानेंटली चलता रहता है, ठीक है। अब इसको नंबर से आप एक लोग फिक्र हो, अब क्या है इसमें तो फ्यूल जाता है वापस, क्या जाता है प्रेशर से जाता है। अब इसमें जब ओवर फ्यूल हो जाता है ना पाइप में, तो वो इसी पाइप से आके यहाँ की ओर से बाहर टंकी के अंदर फिर प्रवेश हो जाता है, ठीक है। इससे क्या है बाहर की हो जाता है, और इससे डायरेक्टली वापस आ जाता है जब ओवर फ्यूल हो जाता है, ठीक है। अब इसको एक एक नंबर से फिट करो सब लोग, ताकि सबको मालूम है किस तरीके निकलता है, किस तरीके फिट होता है, ठीक है। वायर चलेगा तो तीन फेज पे चलेगा ना, तीन फेज पे कहाँ दोगे? तीन वायरिंग में लगा के चेक कर सकते हो तो चल जाएगा। इधर फ्यूल पंप की ट्रेनिंग चल रही है, इधर ये वायरिंग चल रही है। ये इधर इनकी BS6 की ट्रेनिंग चल रही है, आप देख सकते हो किस लेवल की ट्रेनिंग हो रही है। बच्चों ने BS6 के अंदर से एक एक सेंसर को काट रखा है, एक एक सेंसर को खोल रखा है, वो करो और ऐसी फ्यूल पंप आप देख सकते हो। और ऐसी इधर ही क्लास चल रही है, एक और बैच चल रहा है जो कि अभी पल्सर का इंजन खोला हुआ है।
और एक बैच है जो स्प्लेंडर पे चेक कर रखा है इंजन को अलावा। ये है हमारे लोकेश सर, ये है हमारे लोकेश सर, हम ये बीएस कॉल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक बैच ये कर रहा है और एक बैच इधर लगा हुआ है। ये स्टूडेंट लगा रहा है। जैसे ये चाबी ऑन करते हैं, ये दोनों में टच हो रहा है, इसमें भी 12 वोल्ट आ रहा है, इसमें भी 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे इग्निशन ऑन करते हैं, ये दोनों में चल जाता है, ये ज्वाइंट हो जाता है। उसके बाद दोनों में उसमें कल बीएस आप दोनों का काम हो रहा है, और ये दोनों में कलर पर वाइट मिलकर दोनों के टच होता है तब गाड़ी दोनों में 12 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। एक फ्यूज होते हुए चल जाता है एक इधर, तो जैसे जो 12 वोल्ट पे चलता है कोई भी चीज उसके लिए वो चल जाता है, ठीक है। देखो ये गया है, इधर भी आ गया है, फ्यूज में भी आ गया है, फिर इसके बाद ये रेगुलेटर रेगुलेटिफायर में भी चल गया, मतलब आर आर यूनिट में भी चल गया है, ठीक है। ये इन्होंने पूरा फ्यूल पंप पैक कर दिया है, हो गया पूरा फ्यूल पंप पैक। जी सर, खोला लगाया अच्छा लगा जी, ठीक है। उसको लगा दोगे चालू हो जाएगा ये। वायरिंग हो गई आपकी BS6 की, ये चल रही है? अच्छा, ये कभी चल रही है आपकी? चलो ये एक शॉर्ट वीडियो था, उसको आपको बताया गया है कि BS6 की ट्रेनिंग कैसे हो रही है। इसके अंदर आपने देखा कि बच्चे ने BS6 की बाइक पूरी खोल रखी है, एक एक सेंसर आप देख सकते हो। ये उसका ECU है, ECM है, इसके भी पूरे वायर कटे हुए, ऐसे नहीं मतलब इसको ऊपर ऊपर से चेक करा रहे, ये देख सकते हो सारे वायर कटे हुए, सेंसर्स के वायर कटे हुए थे सारे। बच्चे एक एक सेंसर खोल रहे और एक एक सेंसर को चेक कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, और ऐसे इन्होंने BS6 का फ्यूल पंप खोला है। तो अपना एक शॉर्ट वीडियो था BS6 की ट्रेनिंग कैसे होती है। तो ये 2.5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, बहुत सब बधाई हो आपको। ये है हमारा BS और ये हमारे स्कैनर, तो ये लगा रहे हैं, ये OBD जब ये लगा। आइए लोग इसका लगाइए, इससे क्या क्या आप पता लगाते हो, सारे सेंसर में चेक कर सकते हो। और एक टीवीएस एक्सेल एंटर ये गया आपको, ये देखो आगे ये कल खरीदिए लोकेश सर, ये कल भारतीय में देखो, ये प्रैक्टिकल के लिए देखिए क्या है, ठीक है। तो ये लग रहा है BS6 पहली गाड़ी पे आ गई। ये हमारी एक थ्रोटल बॉडी है, ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर है, इससे हमारा ये पेट्रोल जाता है इसमें। ये हमारी थ्रोटल बॉडी हो गई, इसमें जाएगा पेट्रोल, यहाँ पर जो फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप से सप्लाई इसमें जाएगी, यहाँ से ये इंजेक्टर का देखो, ये हमारा ये थ्रोटल है, और ये थ्रोटल पोजिशन सेंसर कि कितना हम लोगों ने एक्सीलेटर लेंगे मैनुअली, उतना यहाँ से क्या करेगा, ये एयर के फ्लो को जो इंजेक्टर है उसको कमांड देगा ECM को, और ECM से उतना ज़्यादा पेट्रोल इसमें जाएगा। तो ये देखिए इस टाइप से थ्रोटल बॉडी खुलती है BS6 की, वाओ, प्लैटिना BS6, TVS BS6, स्प्लेंडर BS6, एक्सल एंट्रेड BS6, साइजर के बाद तो अलग है BS6। इस टाइप से देखिए BS6 का ना आपको भूत उतर जाएगा आपका BS6 से, और सिर्फ स्कैनर लगा के नहीं, हर एक एक सेंसर को आपके हाथ में दे के खोल के फिट करके स्टार्ट करके BS6 रग रग में भर दूंगा आपकी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।